महाशिवरात्रि पर मनकामनेश्वर में लगी भक्तों की अपार भीड़। लालपुर के मनकामनेश्वर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ टूट पड़ी। दूर दूर से आए सभी भक्तजन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के साथ साथ जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक भी किया गया तथा मंदिर परिसर में लगे मेले का बच्चे बूढ़े एवं औरतों ने अपने जीवनोपयोगी सामग्री खरीद कर लुत्फ उठाया। अपार भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी। भगवान भोलेनाथ मनकामनेश्वर के बारे में ग्राम प्रधान शंकर लाल पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसी रास्ते से होकर भगवान राम चित्रकूट गए थे। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस स्थान का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए शासन प्रशासन से सहयोग के लिए भी प्रयास किया गया था, जिससे प्रशासन द्वारा इसके सौंदर्यीकरण, सुलभ शौचालय एवं लाइट आदि के लिए लगभग 1 करोड़ का बजट आया है, जिस पर शीघ्र ही कार्य करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मंदिर प्रांगण के विकास के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। अभी फिर से उसमें जो है 1 करोड़ के लमसम का बजट दिया है, कार्य उसका होना है, टेंडर हो गया है और भगवान भोलेनाथ कृपा रहेगी तो आगे भी इसी तरह क्या क्या कार्य करवाया जाएगा यहाँ पे। इसमें सार्वजनिक शौचालय का बजट आया है, लाइट का आया है, कूप मरम्मत का आया है जी, और इसके सौंदर्यीकरण के सौंदर्यीकरण का है जी जी। ये कब आया बजट? पिछले महीने टेंडर हुआ है। ये कब तक कार्य पूरा हो पाएगा? लगभग 3 महीने का टाइम था, अभी तक तो जगह उपलब्ध नहीं हो पाई शौचालय के लिए जी। जैसे उपलब्ध होगी उसे बना दिया जाएगा।